कुएं की आस लेकर गिर रहे हैं लोग खाई में, इन्हें रहना था रजाई में। कुएं की आस लेकर गिर रहे हैं लोग खाई में, पहाड़ों से बड़े मुद्दे छुपा रखे हैं राई में। सभी तैयार बैठे हैं, लिए हथियार बैठे हैं, न जाने कौन जीते कौन हारे इस लड़ाई में। बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो यहीं से शुरू करूं क्या? बिल्कुल। सर्दी के मौसम का स्वागत हम यहाँ गर्मा गर्म कविताओं से करते हैं, सुनिए। और जहाँ से अनामिका जी ने छोड़ा है वहीं से शुरू करते हैं, लड़ाई से। के आया है मौसम खास खास, सुनना, के आया है मौसम खास खास, सर्दी का है एहसास खास, सर्दी का है एहसास खास, अपनी मिले या पराई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए, 7 फुट लंबी हो और 6 फुट चौड़ी, मेरे साइज के हिसाब से है, 7 फुट लंबी हो और 6 फुट चौड़ी, इससे न ज्यादा हो ना कम हो थोड़ी, सोने पे सुहागे के जैसी ये जोड़ी, सोने पे सुहागे के जैसी ये जोड़ी, गरम गरम कोई दे चाय और पकौड़ी, गरम गरम दे चाय और पकौड़ी। और कविता की भाषा में क्या बात कहता हूँ, पंकज समझना, स्वागत है। के सोने पे सुहागे जैसी होगी ये जोड़ी, सोने पे सुहागे जैसी होगी ये जोड़ी, गरम गरम दे दे कोई चाय और पकौड़ी, चाय चाय का कप हमको ना, चाय का कप ना इकाई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए, के सर्दी की कर डालेंगे ऐसी की तैसी, चलेगी रजाई नहीं ऐसी वैसी, स्कॉटलैंड वाली फीलिंग भी चाहिए, स्कॉटलैंड वाली फीलिंग भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वाली हीलिंग भी चाहिए, ये ऐसी, अरे सस्ती नहीं हाई फाई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए, आया मौसम है खास खास, सर्दी का है एहसास खास, अपनी मिले या पराई चाहिए, मुझको जल्दी एक बढ़िया सी रजाई चाहिए भाई। हाँ, दिमाग ठिकाने जो लगा दे ऐसा भाई चाहिए।